तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि मैम कितना व्यूज पर कितना अर्निंग होता है यूट्यूब से, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है। वो लोग मुझे जब भी मैं लाइव आती हूँ तो वो लोग पूछते हैं कि आपका कितना अर्निंग होता है, कितना व्यूज पर यूट्यूब कितना डॉलर देता है। कुछ लोग बोलते हैं 1000 व्यूज पर $4 देता है, कुछ लोग बोलते हैं 1000 व्यूज पर $1 मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का सारा डाउट क्लियर करूँगी, रियल में बताऊँगी कि आपको YouTube कितना व्यूज पर कितना डॉलर मिलता है YouTube से। तो देखिए, सबसे पहले हम YouTube से दो तरीके से यहाँ से पैसे कमाते हैं। पहला है, एक है कि हम वीडियो अपना चैनल पर डालते हैं और 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम का क्राइटेरिया हम पूरा करते हैं, उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। मोनेटाइजेशन के बाद जो वीडियो पर एड्स आता है उसके हिसाब से हमारा वीडियो पर अर्निंग होता है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा है कि आपके चैनल पर जितना व्यू जा रहा है, यहाँ पे मोनेटाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। कैसे? स्पॉन्सरशिप से। स्पॉन्सरशिप जैसे कि आप टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग ब्यूटी टिप्स देते हैं, तो इन लोगों के पास अलग अलग टाइप का स्पॉन्सरशिप मिलने लगता है। जैसे जैसे व्यूज आता है, अच्छा खासा व्यूज आता है, 100, 200, 300, 500, 2000, 1 लाख इस तरह व्यूज आता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको स्पॉन्सरशिप मिलता है। और जितना वीडियो पर व्यूज आता है उसके अकॉर्डिंग स्पॉन्सरशिप वाले जो भी अपना प्रोडक्ट का, कुछ लोग वेबसाइट का, कुछ लोग एप्लीकेशन का प्रमोशन करवाते हैं, वो फिर क्रिएटर्स को पैसे देते हैं। तो ये हो गया दो तरीका, स्पॉन्सरशिप का और जो एड्स हमारे वीडियो पर चलता है उसका। ये दो तरीके से हम यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप वाला हमें कितना व्यूज़ पर कितना पैसा देगा और यूट्यूब पर जो एड्स चलते हैं वो हमें 1000 व्यूज़ पर $1 देगा। आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप टेक्निकल वीडियो, आप 3 मिनट का वीडियो बनाए हैं, टेक वाले जैसे कि यूट्यूब टिप्स आप देते हैं तो वो आप 3 मिनट का बनाए हैं, और कुछ लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो वो अपना चैनल पर 8 मिनट से ऊपर का वीडियो बनाते हैं, 8 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट इस तरह वीडियो बनाते हैं। तो मान लीजिए टेक वाला जो यूट्यूब टिप्स देते हैं उस पर 3 मिनट का वीडियो है और उस पर मान लीजिए कि 1000 व्यूज आया है, तो 1000 व्यूज पर टेक वाला को मान लीजिए कि $2 मिला है। तो वहीं पे जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके चैनल पर मान लीजिए कि 8 मिनट का वीडियो है और उनके वीडियो पर सिर्फ 100 व्यूज आया है, तो उनको YouTube दे दिया है $2, मतलब बराबर। जहाँ टेक वाले 3 मिनट का वीडियो बनाए हैं वहाँ पे 2000 व्यूज पर $2 मिला है, वहीं 200 व्यूज पर $2 मिल गया है। तो ये डिपेंड करता है वीडियो का लेंथ पे कि वीडियो कितना लंबा है, क्योंकि 8 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, 8 मिनट से लंबा अगर वीडियो आपका होता है तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऐड लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा ऐड वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेगा। 8 मिनट से ऊपर का वीडियो रहता है तो एक्स्ट्रा ऐड लगता है, लेकिन 8 मिनट से कम का वीडियो रहता है जैसे कि 7 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो रहता है तो उसमें हम ज़्यादा ऐड नहीं लगा सकते, उसमें बस 1-2 ऐड आता है। लेकिन 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो लेंथ रहता है उसमें ज़्यादा ऐड आता है। तो ये हो गया दूसरा तरीका कि उस पर जितना लंबा वीडियो रहेगा उतना अर्निंग भी बढ़ती है, क्योंकि ऐड ज़्यादा चलेगा तो अर्निंग भी बढ़ेगी। और ये है पहला तरीका। और दूसरा है कि अर्निंग, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग बाहर बाहर कंट्री का वीडियो देखते हैं, USA, UK, बाहर बाहर देश से, जैसे कि इंडिया का, पाकिस्तान का, नेपाल का, यहाँ का रेवेन्यू कम है, यहाँ का लोग अगर वीडियो हमारा देखते हैं तो यहाँ के हमें कम पैसा मिलता है। ये तीनों देश छोड़ के बाहर विदेश में जैसे कि हमारा वीडियो देखा जाता है तो अर्निंग हमारा बढ़ जाता है। वहीं पे आपका $100 व्यूज पर भी आपको $2-3 मिल सकता है अगर बाहर कंट्री से आपका वीडियो देखा जाता है। वहीं अगर आपका वीडियो इंडिया या नेपाल में देखा जाता है तो वहाँ पे 4000 व्यूज आने के बाद भी आपका चैनल वीडियो पर $1 भी नहीं बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कंट्री से, कौन सा कंट्री से आपका वीडियो देखा गया है। वीडियो लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा आपका वीडियो है, जितना लंबा वीडियो रहेगा उतना ही उसमें ज़्यादा ऐड चलता है। और तीसरी बात कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। मान लीजिए कि कुछ छोटा मोटा टॉपिक है जैसे कि इंटरटेनमेंट करवा रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं, तो इस पर क्या होता है कि रेवेन्यू यूट्यूब कम देता है, क्योंकि मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखाऊंगी कि कैसे हम पता करते हैं कि कितना व्यूज पर यूट्यूब कितना डॉलर देता है। ये मैं प्रूफ भी दिखाऊंगी स्क्रीन पे। तो आप ये पहले समझिए कि टॉपिक के अकॉर्डिंग भी होता है। कुछ लोग मनी जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, इस तरह का ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, इस पर भी ज़्यादा रेवेन्यू है,
यूट्यूब टिप से ज़्यादा इस पर अर्निंग है, और कुछ लोग वेबसाइट के बारे में ये सब के बारे में बताते हैं उस पर भी ज़्यादा अर्निंग है। जैसे कि फेक वेबसाइट नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे मतलब अर्निंग, जैसे कि कुछ लोग ब्लॉग करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं उस पर वेबसाइट पर, तो ये सब पर ज़्यादा अर्निंग है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में कि किस तरह ऑनलाइन पैसे कमाएं, इस पर भी ज़्यादा अर्निंग है। कुछ लोग बैंक से रिलेटेड इस तरह वीडियो बनाते हैं, इस पर भी ज़्यादा अर्निंग है। लेकिन ब्लॉगिंग, एंटरटेनमेंट, इस तरह का और भी वीडियो है तो उस पर रेवेन्यू कम है। तो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं कि 1000 व्यूज पर यूट्यूब $1 देता है या $2 देता है। ये मैं जो आप लोगों को चीज़ बताई हूँ इस पर डिपेंड करता है, जैसे कि टॉपिक पे डिपेंड करता है, कितना मिनट का वीडियो है, वीडियो कहाँ से देखा जाता है, ये तीन चीज़ मायने करती है और इसी के अकॉर्डिंग अर्निंग होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक ब्लॉग वाला वीडियो आपको ओपन करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अपना टेक्निकल चैनल पे ब्लॉग डाली हूँ तो उसका मैं आप लोगों को अर्निंग दिखाती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरा चैनल पर कितना व्यूज आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अर्निंग दिखाती हूँ, ताकि आप लोग अंदाजा लगा सके कि यूट्यूब कितना व्यूज पर कितना डॉलर देता है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वीडियो ओपन करती हूँ, और ये वीडियो देखिए 11 मिनट का है। आपको मैं जैसे कि पहले भी बताई हूँ कि 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाते हैं तो उस पर एड्स भी ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वीडियो देखिए 11 मिनट का है, और इस पे इसको मैं एनालिटिक्स पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ पे मैं जाती हूँ रेवेन्यू पे सीधा। तो यहाँ पे देखिए 0.4 यहाँ पे डॉलर मिला है, 275 व्यूज है इस पे। देखिए यहाँ पे 273 व्यूज है, सॉरी यहाँ पे 273 व्यूज पर यूट्यूब $0.4 यहाँ पे दिया है। आप यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए, उसके बाद आप देख कर आपको पता कैसे चलेगा कि यूट्यूब कितना व्यूज पर कितना डॉलर देता है। तो यहाँ पे आप सीधा देखिए रेवेन्यू फॉर एवरी वन के व्यूज, वीडियो परफॉर्मेंस पे आपको आना है। यहाँ पे देखिए वीडियो परफॉर्मेंस पे आना है, और यहाँ पे जो व्यूज के नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको रेवेन्यू फॉर एवरी वन के व्यूज RPM करके लिखा हुआ है, उसके साइड में आप यहाँ पे देखिए मेरा 0.15 है, मतलब कि 1000 व्यूज पर मुझे यूट्यूब $0.15 ही दे रहा है। इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे वीडियो पर, अगर ब्लॉग वीडियो पर 5-6 हज़ार व्यूज आएगा तब जाके YouTube $1 देता है। लेकिन आप लोग ऐसे पूछते हैं कि $1 पर $5 देता है, $10 देता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा दी हूँ कि ब्लॉग चैनल पे कितना व्यूज पर कितना डॉलर मिलता है। तो मेरा यहाँ पे 1000 व्यूज पर 0.15 दे रहा है ब्लॉग वीडियो पे, इसके हिसाब से 5-6 हज़ार व्यूज पर $1 मिलता है। तो ये मैं आपको ब्लॉग वाला वीडियो दिखाई हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे टेक वाला को यहाँ पे वीडियो ले लेती हूँ, जिसपे यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए यूट्यूब टिप्स है, 6-8 व्यूज आ रहा है, हाउ टू गेट मोर व्यूज, मतलब कि यूट्यूब के बारे में इस पर वीडियो बताई हूँ, और इस पर व्यूज आप देख लीजिए 773 व्यूज है। और एनालिटिक्स पे हम चलते हैं, उसके बाद हम सीधा रेवेन्यू पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.15 मुझे मिला है 773 व्यूज पर, और यहाँ पे इसका RPM आप देख लीजिए, रेवेन्यू फॉर एवरी वन के व्यूज 0.19 दिखा रहा है, मतलब कि उस पर ब्लॉग वाला पे 15 था, 0.15, और इस पर 19 है, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा है, ब्लॉग से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे इस पर मिल रहा है। मतलब कि ये एग्जाम्पल के लिए 5000 व्यूज पे $1 मिलेगा, तो वही ब्लॉग कैटेगरी में 6-7 हज़ार व्यूज आएगा तब $1 मिलेगा। आप यहाँ पे अर्निंग देख लिए हैं, इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि YouTube कितना व्यूज पर कितना पैसा देता है। अब आप लोगों के मन का सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।